दो चार दिन से ना पानी की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 11:30 बजे मॉर्निंग में पानी तो चांदी है, चीनी उसको खरीदना नहीं पड़ता होगा 2 महीने से। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ब्लॉग देखने के बाद अगर अच्छी लगती है तो ब्लॉग को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सुबह उठने के साथ सीधे मैं चली गई थी किचन में और कर ली हूँ गर्म पानी। और ये जो कॉफ़ी मग देख रहे हैं ना, ये हस्बैंड का है, एक्चुअली शादी से पहले का मग है। ये हस्बैंड को किसी ने गिफ्ट किया था डे पे, तो वैसे ही रखा हुआ था तो मैं सोची कि चलो इसका यूज करती हूँ। एक्चुअली ना बहुत ही बड़े साइज का है ये, तो चाय वाय पीने के लिए या फिर कॉफ़ी पीने के लिए यूज़ नहीं हो पाता, बहुत ही ज़्यादा गहरा है और बड़ा सा है। तो मैं सोची कि चलो इसमें पानी पीते हैं। उसमें ना 1.5 गिलास पानी अच्छे से आ जाता है। मैं मेजरमेंट करके देखी थी, पानी डाल के देखी थी तो 1.5 गिलास पानी अच्छे से आ जाता है। तो मुझे लगा कि चलो सुबह पानी पीने के लिए बहुत बेस्ट है ये कॉफ़ी मग। अभी मैं अपना सुबह वाला चाय बैठा दी हूँ और साथ के साथ ही मैं बादाम भिगो के रखती हूँ रात में, ये मेरा डेली का रूटीन है। तो 12 से 15 बादाम भिगा देती हूँ, आधा हस्बैंड खाएंगे आधा मैं खाऊंगी। और चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो उसे मैं फ़िल कर दे रही हूँ। और मैं ना हमेशा बड़ा वाला पैकेट ही लेती हूँ, टाटा टी गोल्ड। आप देख सकते हो मैं कौन सा ब्रांड यूज करती हूँ, मुझे पसंद है ये वाला। मैं ना पहले छोटा छोटा पैकेट मंगाती थी तो मुझे एक्सपेंसिव लगता था और जल्दी ख़त्म भी हो जाता था। लेकिन जब से मैं बड़ा पैकेट मंगाती हूँ ना, अच्छा खासा मतलब बहुत लंबा चल जाता है और मुझे ना सस्ता भी पड़ता है। आई थिंक 300 या 350 का ये आ जाता है, इतना बड़ा चाय पत्ती। साथ के साथ ही हैंड वॉश भी ख़त्म हो गया था, 2-3 दिन से ख़त्म हुआ है। हस्बैंड बोल रहे हैं कि भर के रख दो भर के रख दो, तो आज मुझे याद था तो मैं सुबह सुबह सोची चलो ये काम पहले कर लेती हूँ। तो सेवलॉन में मंगाती हूँ, मुझे ना सस्ता पड़ता है सेवलॉन, buy 1 get 2 फ्री है या फिर buy 2 get 1 फ्री है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। पर 99 रुपीज़ में ना 3 पैकेट आ जाता है सेवलॉन का, तो मुझे ना बड़ा सस्ता पड़ता है तो मैं सेवलॉन ही मंगा लेती हूँ। और आज देख सकते हैं कितना कुछ आज डब्बा खाली हो गया है, ये बर्तन धोने वाला डब्बा भी खाली हो गया था। तो आप देख सकते हो मैं वीम जो लिक्विड है ना, ये भी मैं बड़ा वाला ही मंगाती हूँ, छोटा वाला मुझे एक्सपेंसिव पड़ता है। और बड़ा वाला पैकेट ले लो तो 1 से 1.5 महीना आराम से चल जाता है। सो गाइज मुझे ना एक कमेंट आ रहा है कि आप जो भी मसाला बॉक्स यूज करते हो उसके बारे में बताइए, शेयर कीजिए, बड़ा बॉक्स छोटा बॉक्स जो भी मैं यूज करती हूँ। सो गाइज इस ब्लॉग में तो मैं नहीं शेयर की हूँ और कल महाशिवरात्रि है तो कल भी मैं आप लोग को ना दिखाऊं। हो सकता है शिवरात्रि के बाद वाला जो ब्लॉग आएगा ना तो मैं आप लोग को अच्छे से जो भी मेरे पास मसाला बॉक्स है, जितना मैं रखी हूँ जितना मैं यूज़ करती हूँ, हर एक मसाला बॉक्स अच्छे से मैं आप लोग साथ शेयर कर दूँगी। प्लस ये भी बता दूँगी कि मैं कहाँ से सारे मसाला बॉक्स मंगाई हूँ। वैसे मेरा जितना भी मसाला बॉक्स है मैक्सिमम सारा ऑनलाइन ही है, तो आप लोग के लिए सहूलियत हो जाएगी। और इतना करते करते देखिए मेरा चाय बन के हो गया है रेडी। तो घर का सारा काम तो हो चुका है, घर पूरा अच्छे से अरेंज हो चुका है, मेरी हाउस हेल्पर आके जा भी चुकी है। और जब वो काम करके जाती है ना, बर्तन वर्तन पूरा धो के जाती है, तब मैं ये जिसमें मैं डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ ना अच्छे से धोती हूँ और उसके बाद ही मैं डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ। सो गाइज मैं इसमें जो जो चीज़ डाली हो ना 8 से 9 घंटे के लिए यूज़ करती हूँ। उसके बाद जो भी इसमें है ना सब सड़ने लगता है, मतलब इसका टेस्ट कड़वा होने लगता है। तो चलिए ये काम तो हो गया। और आज ब्रेकफास्ट में बनाई थी सूजी का चीला, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोग से शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले कई बार इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ आप लोग को। नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिएगा, पीछे वाले ब्लॉग में मिल जाएगा। तो बहुत दिनों के बाद आज हम खा रहे थे सूजी का चीला और साथ में पुदीना और धनिया की चटपटी चटनी। सो गाइस ये जो कॉम्बिनेशन है ना चीला और चटनी की, बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ा अच्छा लगता है खाने में। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए थे तो मैं फैलाने आ गई हूँ बालकनी में। और आजकल ना कपड़े बड़े ही अच्छे से सूख जाते हैं, मतलब 4-5 घंटे में इतने अच्छे से सूख जाते हैं ना, इतना मतलब गर्मी ही इतनी ज़्यादा पड़ रही है प्लस धूप भी बहुत होता है। और मुझे जल्दी से किचन में भी जाना है लंच बनाने के लिए, और आज ही नहीं 8-10 दिन तक ऐसे ही चलेगा, थोड़ा जल्दी ही लंच बनाना पड़ेगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं आप लोग को अच्छे से डिटेल में बताऊँगी, तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। सो गाइस सारा काम तो हो चुका है और अभी मुझे जाना है लंच बनाने। थोड़ा जल्दी ही मैं बनाऊंगी। अभी मैं बकेट में पानी भर दी हूँ क्योंकि यहाँ पे 2-4 दिन से ना पानी की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 11:30 बजे मॉर्निंग में पानी चली जाती है और शाम 4:30 या 4:45 में पानी आती है, तो काफी लंबे समय के लिए पानी नहीं होती है। अभी मैं लंच बनाऊंगी ना तो बनाते बनाते पानी खत्म हो जाएगा, मतलब इतना भी पानी नहीं रहता है कि कोई मैं बर्तन साफ करूं या फिर किसी बर्तन में मैं पानी भर के उसे फूलने के लिए रखूं, ऐसी वाली हालत हो जाती है। तो मैं एक बकेट निकाल के रख दी हूँ। बाकी जो फ्लश है ना कम्बोर्ड उसमें पानी आता है दिन भर, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, बाकी यूज के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो सारे बोतल में सब कुछ मैं पानी वानी भर के रखती हूँ, प्लस कैंट में पानी रहता है जो कि मैं कुकिंग में यूज करती हूँ। अभी स्विगी से मैं कुछ सामान मंगाई हूँ, आटा और कुछ सब्जी जो कि खत्म हो गया था वो सब मैं मंगाई हूँ, और कल शिवरात्रि भी है तो उसके लिए भी कुछ सामान मंगाई हूँ। तो वो सबसे पहले मुझे जाना अरेंज करने, सामान आ चुका है वो अरेंज करूंगी और उसके बाद लग जाऊंगी लंच बनाने के काम पे। और अभी तो 11 बज रहा है, 11:30 बजे तक पानी आएगा। देखते हैं आधे घंटे में कितना खाना मैं बना पाती हूँ, पर डाउट ही है। बनाते बनाते तो 12:30 आराम से बच जाएगा इसमें, लेकिन ठीक है कैंट के पानी से मैं काम करती हूँ। बाकी मैं पानी भर के रख ली हूँ ऐसे डेली, मतलब दिन भर के यूज के लिए। अभी थोड़ा माहौल गर्मी गर्मी जैसा हो गया है, तो जैसे ही 11-11:30 बजता है ना मैं क्या करती हूँ कि सारे रूम का कर्टेन ऐसे लगा देती हूँ। वैसे अंदर उतनी गर्मी है नहीं, लेकिन कर्टेन लगा देने से ना एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। और फिर मैं लाइट भी ऑफ कर देती हूँ, तो रूम ना थोड़ा ज़्यादा ठंडा ठंडा रहता है। और अभी तो दोपहर में बाहर देखा भी नहीं जाता, इतना चमकता है ना लाइट, तो कर्टेन लगा देना ही मुझे सही लगता है। और जैसे भी मैं किचन में जा रही हूँ तो वहाँ का लाइट ऑन रहेगा, प्लस एंट्रेंस का आप देख सकते हो लाइट ऑन है। बाकी सारे रूम का मैं लाइट ऑफ ही रखती हूँ, रूम थोड़ा ठंडा रहता है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या मंगाई हूँ स्विगी से। आप लोग देखें कि अभी मैं आटा नीचे भर के रख दी बॉक्स में, और यहाँ पे मैं मंगा रही हूँ मखाना जो कि कल यूज करूँगी। और ये है पम्पकिन, खट्टी मीठी वाली जो बनती है ना सब्जी, ये मैं बनाऊँगी कल। और ये ख़त्म हो गया था नहाने वाला पियर्स का प्योर एंड जेंटल बॉडी वॉश। और ये देखिए यहाँ पे मैं टोमेटो मंगा ली हूँ। और अभी गर्मी आ गई है तो अब स्टार्ट हो गया है खाना। अभी मैं पहली बार मंगाई हूँ इस समर में, पहली बार मैं मंगाई हूँ ये लौकी। मैं चेक कर रही थी तो ये सही है, अच्छी क्वालिटी है इसकी। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये है कुट्टू का आटा 200 ग्राम पहली बार मैं मंगाई हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं इसकी पूरी बना के देखूँगी कि कैसी बनती है, मुझे भी नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा YouTube से ही कि कैसे इसका पूरी बनता है। बहुत कुछ मैं YouTube से भी सीखती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है, ऐसा नहीं है, मैं सीखते रहती हूँ। और ये है टिश्यू पेपर। और ये देखिए फ्रोज़न मटर मंगा ली हूँ क्योंकि जो फ्रेश मटर है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहा है अब, तो मुझे लगा कि नहीं अब यही मंगाना चाहिए। और ये है लेमन, समर में तो कुछ ज़्यादा यूज होता है इसका। और मिर्ची ख़त्म हो गई थी तो ये मंगा ली हूँ, साथ के साथ ये कर्ड। और ये है, इसको क्या बोलते हैं, शक्करकंद, हम लोग इसको शक्करकंद बोलते हैं, स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है, जिसका यूज मैं कल करने वाली हूँ। और ये देखिए क्या हो गया, मैं नाखून गड़ाई तो अंदर कैसे जूस निकल गया इसका। और जब भी मैं 1000 के अराउंड शॉपिंग करती हूँ ना स्विगी से, तो आप ये देखो फ्री में क्या देके जाता है, चीनी। हमेशा ऐसे हो रहा है कि हमेशा चीनी फ्री में दे देता है। और ये चीनी मैं अपने हाउस हेल्पर को दे देती हूँ क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ, बस एक पैकेट रखती हूँ मैं चीनी, बाकी जो भी चीनी आता है मैं अपने हाउस हेल्पर को देते जाती हूँ। तो उसकी तो चांदी चांदी है चीनी, उसको खरीदना नहीं पड़ता होगा 2 महीने से। तो चलिए फटाफट से हम खाना बना लेते हैं। और आपको पता है 11:30 बज चुका है और पानी कहीं भी नहीं आ रहा है। अब पानी आएगा शाम में 4:45 बजे या 5 बजे, ऐसे करके पानी आएगा। तो दाल मैं चढ़ा दी हूँ एक साइड, और एक साइड मैं आलू फ्राई बना ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो जीरा का फ़ौरन दी थी और हरी मिर्च के साथ आलू में डाल दी थी। कुछ देर के लिए फ्राई की थी मैं। कुछ सूखे मसाले डाली हूँ जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, मतलब कि जो रेगुलर मसाले होते हैं ना वही मैं डाली हूँ। करेंगे मिक्स और लो फ्लेम करके इसे हम पकने देंगे। और साइड से मैं दूसरी सब्जी की तैयारी कर ले रही हूँ और बनाने वाली हूँ मेथी मटर की एक यूनिक सी सब्जी। तो यहाँ पर मैं मेथी के पत्ता को काट ले रही हूँ। एक बंडल मेथी था और पहले ना मैं इसे धो ली थी 3 से 4 पानी। बहुत ज़्यादा मिट्टियाँ निकल जाती हैं मेथी के पत्ते से और धोने के बाद ही मैं इसे काट रही हूँ। सो गाइस मेथी मटर मलाई की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर की हूँ और बहुत ही अच्छी बनती है, पर ये थोड़ी अलग रेसिपी है, अलग तरीके से मैं बनाई हूँ मेथी मटर की सब्जी। तो क्या क्यों ना कि सरसों का तेल ली हूँ, डाली हूँ जीरा का फ़ौरन, साथ ही मैं इसमें हींग डाल दी हूँ और एक हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ और साथ ही इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं रेडीमेड यूज कर रही हूँ मार्केट का, आप चाहें तो घर का फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट आप ले सकते हो, ग्रेट करके ले सकते हो, कूट के ले सकते हो। और हल्का सा इसे हम भून लेंगे, मतलब इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच बेसन और बेसन डालने के बाद अच्छे से करनी है भुनाई। अच्छी खुशबू आने लगेगी बेसन डालते हैं, मतलब जब भुनना स्टार्ट होगा ना तो अच्छी खुशबू आने लगती है। सो गाइस इस सब्ज़ी का आप नाम दे सकते हो मेथी मटर बेसन, जैसे मेथी मटर मलाई होता है वैसे आप मेथी मटर बेसन बोल सकते हो। अभी मैं कसूरी मेथी डाली हूँ, उसे डालने के बाद भी मैं भूनी हूँ। फ्रेश पत्ता तो मैं डाले रही हूँ मेथी की, लेकिन कसूरी मेथी से भी एक अलग सा फ्लेवर आता है। और उसके बाद चॉप किया हुआ यहाँ मैं मेथी डाल दे रही हूँ और इसे ना भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। भून लेने से क्या होता है ना, इसका जो कड़वाहट है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो आप देख सकते हो कितना कम हो गया भूनते भूनते। 3 से 4 मिनट के लिए मैं भूनी थी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाली हूँ। कुछ सूखे मसाले जाएंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, बस यही जाएगा, बहुत ज़्यादा मसाला इसमें नहीं जाएगा। करेंगे मिक्स और ना इसे अच्छे से हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके, मतलब मसाला भी हमारा अच्छे से पक जाएगा। इधर दूसरी वाली सब्जी भी बनके हो गई है रेडी। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दे रही हूँ। धनिया पत्ता डालने से ना टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है और देखने में भी अच्छा लगने लगता है। और ये जो है ना आलू फ्राई आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसमें मिर्ची मत डालिएगा, वैसे टिफ़िन के लिए बड़ी अच्छी रेसिपी है। अब इसमें जाएगा मटर, तो मैं यहाँ पे फ्रोजन मटर ले रही हूँ इसलिए डायरेक्ट डाल दी हूँ। अगर आप लोग फ्रेश मटर ले रहे हैं ना तो पहले बॉईल कर लीजिएगा 4 से 5 मिनट के लिए, उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। ये डालने के बाद कवर करके पकाएंगे। साइड से मेरा दाल भी बन गया था, ये तो मैं पहले ही बना ली थी। तो धनिया पत्ता डाल के ऊपर से ऐसे डाल देती हूँ ना तो अच्छे से मिक्स हो जाता है धनिया पत्ता और दाल। तो मटर भी इधर अच्छे से हो चुका है फ्राई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, तो 4 से 5 चम्मच दही है, फ्रेश दही है, खट्टी बिल्कुल भी नहीं है। करेंगे अच्छे से मिक्स और दही डालने के बाद ना इसे और पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। जैसे दही पकाते तो कैसे हल्का हल्का ऑयल रिलीज़ होने लगता है, कुछ वैसे इसको पका लेना है। दही भी अच्छे से भून चुका है, तो अब इसमें जाएगा पानी। तो जैसा थिकनेस रखना चाहते हो, वैसे बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी अच्छी नहीं लगेगी, हल्की थिकी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। और स्वाद के अनुसार नमक जाएगा, मैं अभी इसमें नमक एक बार भी नहीं डाली थी। करेंगे अच्छे से मिक्स और इसे कवर करके ना 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। दाल में जीरा, लहसुन और लाल मिर्च का तड़का लगा दी हूँ और इधर आप देख सकते हो सब्जी भी हमारी बन के हो गई है रेडी। आप टेक्सचर देख सकते हो, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। ये सब्ज़ी ऐसी ही दिखती है, एकदम लाल लाल सी नहीं दिखेगी। अब इसमें एक स्पेशल तड़का जाएगा, तो मैं क्या की हूँ ना कि शुद्ध देसी घी ले ली हूँ। उसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और इसे डाल देंगे हम सब्ज़ी के ऊपर। घी से ना बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो गाइस ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेथी मटर मलाई की रेसिपी तो आप लोग बहुत बार खाए होंगे, पर एक बार ये ट्राई करके भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो सब कुछ तो बन गया है, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और मुझे ना कमेंट आया था कि आप गैस पर डायरेक्ट रोटी को फुलाते हो ना, तो वो हार्मफुल होता है। ये मुझे ही पता है गैस की हार्मफुल होता है, लेकिन क्या है ना कि तवे पर मैं फुलाती हूँ तो कभी कभी मेरा हाथ जल जाता है, इसलिए वो मुझे आसान लगता है। लेकिन 2-3 बार से मैं हाथ से ही फुलाने की कोशिश कर रही हूँ, इस तरह से आप देख सकते हो। और ये देखिए पहले रोटी तो फूली ही नहीं। तो ऐसी होती है, कोई रोटी फूलती है कोई रोटी नहीं फूलती है, जब से मैं तवे पे इस तरह से फुला रही हूँ। नहीं तो जब मैं डायरेक्ट गैस पे फुलाती थी तो सारी रोटियाँ अच्छे से फूल जाती थी। खाना तो बन चुका है, तो चलिए आज की सुपर डिलीशियस लंच की थाली लगा लेते हैं। तो थाली में है मेथी मटर बेसन की सब्जी, आलू फ्राई, रोटी, चावल, दाल, खीरा और सुबह वाली धनिया पुदीने की चटपटी चटनी। बहुत ही अच्छी थाली बनी थी गाइज, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे करती हूँ। होप कि आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए।